मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले अपने आवास पर तिरंगा फहराया। गहलोत ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें देश के संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए देश में एकता व अखंडता बनाए रखने में योगदान दे और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाए। ये कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस एक आंदोलन की तरह देश के अंदर है। आज 135 साल का इतिहास अगर है, लंबा इतिहास है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई लोग गए बड़े बड़े, उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये क्या गवाह है, मैं नाम तो क्या लूं लोगों के, परंतु आप जानते हो, देश जानता है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए वापस आए। ये पार्टी का एक ओरा है देश के अंदर, घर घर के अंदर है। आज भी एकमात्र पार्टी थे सत्तम हम नहीं है, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश के हर गांव में बसेगी, हर घर में बसेगी, मिलेगी आपको। बाकी पार्टियां सत्ता में तो है, उनको कोई पूछता ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूछता बीजेपी को, दक्षिण राज्य में नहीं पूछ रहा इन लोगों को कोई भी। आज कांग्रेस चाहे सरकार में है या सरकार के बाहर है, हर घर में घुसी हुई है। कोई छोड़ के जाए कोई फर्ज नहीं पड़ता है, जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी ना, भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे जो आप पार्टी में रह के भी रह करके भी आप अगर पार्टी बुरे करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा नुकसान है पार्टी को, इससे अच्छा आप जाइए बाहर। तो राहुल गांधी ने भी बात कही थी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इन बातों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। मीडिया चर्चा करता रहता है, इंटरव्यू ये आधा उनको बिगाड़ देता है। हम तो कहते जाने वाला भी स्वागत है, आने वाला भी स्वागत है। अभी जो वर्तमान में हालात है उसमें आप क्या समझते हैं कि देश किस तरह से इन हालातों से बाहर निकले, और इसमें क्या आपके कार्यकर्ताओं की भी भूमिका और साथ में जनता क्या किस तरह से? आज भी पूरा देश उद्वेलित है इनकी हरकतों से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे बीजेपी की सरकार राज्य में हो। आज सब जगह सरकारें जो है फेल हो रही है, जनता उद्वेलित है, इनके कारनामों को समझ रही है। असहमति व्यक्त करने वाले जेल जा रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो गए, जबकि लोकतंत्र में तो असहमति और आलोचना भी उसका भी स्वागत करना चाहिए। इसलिए आज देश पूरा समझ रहा है, धीरे धीरे उनका ओरा खत्म हो रहा है और जनता इनको सबक सिखाएगी, टाइम आने पर आप देखेंगे बस।